कपाल भाति प्राणायाम। जिनको इनफर्टिलिटी है, किसी भी प्रकार के यौन रोग है, किडनी की समस्याएं, प्रोस्टेट यूट्रस ओवरी की समस्याएं, वो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र में मन को केंद्रित करके रीढ़ की हड्डी के मूल में बाई ओर से ईड़ा, दाई ओर से पिंगला, 20 से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है और इन्हीं से 72,72,10,201 नाड़ियाँ जुड़ी हैं। अष्ट चक्र जुड़े हैं, नवद्वार जुड़े हैं। ये पंचकोशात्मक, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच उपप्राण और अंतःकरण चतुष्टय से युक्त आत्मा जिस शरीर का अधिष्ठाता है, वो पूरा शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीर, पूरा अस्तित्व हमारा योग से दिव्य हो जाता है। तो धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक योग करने से, समर्पण पूर्वक भगवान की शरणागति, ये योग और अध्यात्म की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है। भगवान की पूर्ण भक्ति, इस भगवान की भक्ति को 9 चरणों में नवधा भक्ति के रूप में शास्त्रों में कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कान सदा भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, मुख से भगवान की महिमा का कीर्तन हो रहा है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसे, मस्तिष्क में आत्मा में एक ही परमात्मा की स्मृति है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, त्वत्प्रसादान मयाचिताः, स्थितोऽस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनम तव, स्मरणम पाद सेवनम। सदा भगवान की चरण शरण में हम रहते हैं, भगवान की सिवाया है और है ही क्या, सबके कर्ता नियंता, आश्रयदाता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप। परम दयालु, परम कृपालु, परम गुरु, परम सखा, परम सहायक, परम पिता, परम माता, जगन माता, तो एक प्रभु ही। ऐसे जब पूर्ण शरणागति से करते हैं प्राणायाम, तो इस पिंड और ब्रह्मांड के जो अदृष्ट शक्ति हैं उनके संपर्क में हम आ जाते हैं और यहां से बड़ा कार्य प्रारंभ होता है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ा चेंज आता है यहां से। ये रूपांतरण का एक बहुत बड़ा चरण है, बहुत बड़ा आयाम है। जब हम सर्वात्मना परमात्मा के साथ एकात्म होकर के पुरुषार्थ पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तब ऐसा रूपांतरण होता है जो कल्पनातीत होता है। योग के शब्दों में बोले तो जो भावातीत होता है, गुणातीत होता है,
माने विज्ञान के यंत्रों से हम जिन तथ्यों और सत्यों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो रूपांतरण, वो परिवर्तन, वो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है। विज्ञान के यंत्रों से जिसको मापा नहीं जा सकता वह रूपांतरण हो जाता है, हम भगवान के ही यंत्र बन जाते हैं। बस एक ही शर्त है, निरंतरता के साथ करना। निरंतरता के साथ करने से ही रूपांतरण घटित होता है, अन्यथा नहीं होता है। और याद रख रहा, केवल पुरुषार्थ से बात नहीं बनेगी, केवल प्रार्थना से भी बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, मति भक्ति युक्त कृति से अपनी प्रकृति के अनुरूप समत्व में जीते हुए कुशलता पूर्वक एकाग्रता प्रसन्नता पूर्वक स्वरूप में रहते हुए स्वधर्म का, अपने योग धर्म अध्यात्म धर्म का, इस ब्रह्म धर्म का, वेद धर्म का, ऋषि धर्म का, योग धर्म का पालन करना, यही योग है, यही जीवन है। पैर सामने खोल लीजिए। कुछ लोग केवल पुरुषार्थ करने में लगे हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन का पूरा सत्य विदित नहीं होगा। कुछ लोग केवल पुरुषार्थ कर रहे हैं जी, हम तो केवल कर्म को ही सत्य मानते, मैं भी कर्म को ही सत्य मानता हूँ, लेकिन उस कर्म के कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं, कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं उसके, वो कर्म कैसा होना चाहिए। अब आप कोई भी एक फल फ्रूट लेते हो, ड्राई फ्रूट है, कोई फ्रूट है, कोई ग्रेन है, कोई फल है, कोई वेजिटेबल है, उसमें एक ही तत्व होता है या कई तत्वों का संघात, कई एक्टिव कंपोनेंट्स, कई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलकर के वो चीज़ बनती है पूरी? उसमें एक तत्व नहीं होता है, बहुत व्यापकता होती है। अपने शरीर में भी, शरीर, दिस बॉडी इज नॉट ओनली ब्लड, दिस बॉडी इज नॉट ओनली वाटर, वाटर का कंटेंट है, द वाटर कंटेंट इज 80%, बट इसमें केवल पानी है ये शरीर, केवल हड्डियां हैं, केवल मांसपेशियां हैं, केवल ब्लड है, केवल केवल कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ है, जो इस सारे ब्रह्मांड में, वो सारा इस पिंड में है। अब इसमें से कितना हम जान पाए हैं वो एक अलग बात है। खैर, कुछ केवल प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु आपकी शरण में है, आप ही हमें उभारो प्रभु। कुछ केवल प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। नाम स्मरण बहुत बड़ा सत्य है, नाम और मंत्र का जप, अलग अलग प्रकार के तप अनुष्ठान, ईश्वर प्रणिधान, भगवत शरणागति, ये अंतिम सत्य है योग का। लेकिन इस प्रार्थना के पहले एक पुरुषार्थ नाम का भी तत्व है। पुरुषार्थ की सीढ़ी लगाए बिना ये जो मंजिल है भगवत शरणागति की, ये मिलती नहीं है। जीवन का एक एक घटक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं कहता हूँ प्रार्थना पूर्वक किया हुआ पुरुषार्थ आपको समग्र रूपांतरण देता है। ये मेरा स्वयं पर, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर किया हुआ आनुभूतिक सत्य है। पुरुषार्थ से लाभ होता है, ये सारी दुनिया पुरुषार्थ का ही तो परिणाम है। ये जो बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक साम्राज्य इस देश में अभी तक बने हैं, इतिहास बने हैं, जो इतिहास गढ़े हैं लोगों ने, ये क्या है, ये सब पुरुषार्थ का परिणाम है। लेकिन प्रार्थना विहीन पुरुषार्थ में शक्ति तो होगी, समृद्धि होगी, ऐश्वर्य होगा, शांति नहीं होगी, संतुष्टि नहीं होगी,
उसमें सौमनस्यता नहीं होगी, दिव्यता नहीं होगी, दोनों हाथ सामने खोल लें। ऐसे योग का पुरुषार्थ करा रहे हैं आपको प्रार्थना पूर्वक। इसलिए मैंने क्या कहा, मति भक्ति कृति पूर्वक अपनी प्रकृति के अनुरूप समता कुशलता एकाग्रता प्रसन्नता पूर्वक स्वरूप में रहते हुए स्वधर्म का, स्वधर्म को ही वेद धर्म कहते हैं, अध्यात्म धर्म कहते हैं, इसको ही भागवत धर्म कहते हैं, इसी को ऋषि धर्म कहते हैं, इसी को योग धर्म कहते हैं, इसी को राष्ट्र धर्म सेवा धर्म कहते हैं, इसका पालन करना यही योग का बड़ा तत्व है। इसमें सब कुछ आ गया जो अभी आपको कहा ना हमने, मति भक्ति कृति पूर्वक अपनी प्रकृति के अनुरूप, सबकी अलग अलग प्रकृति है, जन्म जन्मांतरों का कर्माशय संस्कार सब अपने साथ जुड़ा हुआ है। जीवन अनादि और अनंत है, ये प्रथम और अंतिम जीवन नहीं है। सम्यक मति भक्ति कृति पूर्वक अपनी प्रकृति के अनुरूप, समत्वम योग उच्यते योग कर्म सुकौशलम योग चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टोः स्वरूप अवस्थानम योग ही प्रभवाप्य योगो भवति दुःखः।